हेलो फ्रेंड, मैं मनीष कुमार। इस वीडियो में आपका स्वागत है फ्रेंड। आज हम एक नया टॉपिक लेकर आए हैं, प्रकाश परावर्तन के नियम। क्या है फ्रेंड प्रकाश परावर्तन के नियम? तो आज हम चर्चा करेंगे फ्रेंड प्रकाश परावर्तन के नियम। तो देखिए फ्रेंड, प्रकाश परावर्तन के नियम क्या है से और यह कितने प्रकार के हैं से। तो लिखे हैं फ्रेंड कि प्रकाश परावर्तन के नियम मुख्य रूप से दो प्रकार के होता है। क्या लिखे हैं फ्रेंड कि प्रकाश परावर्तन के नियम मुख्य रूप से दो प्रकार के होता है। कितने प्रकार का फ्रेंड? तो दो प्रकार का। देखिए यहाँ पे दो लिख दिए हैं। कितने प्रकार का फ्रेंड? तो दो प्रकार का होता है। तो चलिए फ्रेंड बात करेंगे कि आखिर दो प्रकार का होता है तो कैसा कैसा होता है, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो चलिए फ्रेंड देखिए, तो स्टेप वन में इसका हम लिखे हैं फ्रेंड, आपतन कोण तथा परावर्तन कोण आपस में बराबर होता है। क्या लिखे हैं फ्रेंड? आपतन कोण तथा परावर्तन कोण आपस में बराबर होता है। तो चलिए फ्रेंड हम ड्राइंग के अनुसार से समझेंगे कि आपतन कोण कौन होता है, परावर्तन कोण कौन होता है। तो देखिए फ्रेंड, आपतित किरण किधर से आती है? तो आपतित किरण देखिए तो ए साइड से है, यानी कि आपतित किरण फ्रेंड इधर से आती है और दर्पण से टकरा कर दूसरी दिशा में लौटती है, जिसको हम बोलते हैं परावर्तित किरण। अब यहाँ एक मेन पॉइंट आता है फ्रेंड कि दर्पण, आखिर कौन सी दर्पण होगा फ्रेंड? तो यह समतल दर्पण होगा। कौन सा दर्पण होगा फ्रेंड? समतल दर्पण होगा, जिस पर प्रकाश का परावर्तन होता है। तो देखिए फ्रेंड, आपतित किरण तथा परावर्तित किरण, इन दोनों के बीच में एक और रेखा आता है फ्रेंड, जिसको हम बोलते हैं अभिलंब। क्या बोलते हैं फ्रेंड? अभिलंब। तो अभिलंब कहाँ से आता है फ्रेंड? तो अभिलंब आंतरिक से आता है और दर्पण टकराता है, पुनः उसी दिशा में लौट जाता है। तो देखिए फ्रेंड, अभी हम लोग का बात करना था आपतन कोण तथा परावर्तन कोण। तो देखिए फ्रेंड, आपतित किरण और अभिलंब के बीच में आपतन कोण बनता है। क्या बनता है फ्रेंड? आपतित किरण तथा अभिलंब के बीच में कौन सा कोण बनता है फ्रेंड? तो आपतन कोण बनता है। और दूसरा देखिए फ्रेंड कि परावर्तित किरण तथा अभिलंब के बीच में बनता है परावर्तन कोण। क्या फ्रेंड? यानी कि अब परावर्तित किरण अभिलंब के बीच में कौन सा कोण बनता है फ्रेंड? तो परावर्तन कोण। अब हम बात करेंगे फ्रेंड कि आपतन कोण तथा परावर्तन कोण आपस में बराबर होता है। इसका मतलब फ्रेंड कि आपतन कोण तथा परावर्तन कोण दोनों आपस में क्या होता है फ्रेंड? बराबर होता है। तो अब हम यहाँ चर्चा करेंगे कि अगर परावर्तन कोण और आपतन कोण दोनों बराबर में होता है, तो यहाँ पे हम देखेंगे फ्रेंड ड्रॉइंग में, अगर आपतन कोण 30 डिग्री हो तो परावर्तन कोण कितना होगा फ्रेंड? 30 डिग्री होगा, यही ना। तो अब हम देखेंगे फ्रेंड कि अगर आपतन कोण 30 डिग्री है तो परावर्तन कोण भी कितना होगा फ्रेंड? 30 डिग्री। लेकिन अब यहाँ एक मेन पॉइंट है फ्रेंड, अब हम समझेंगे कि आखिर आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण कैसे हो जाता है। तो हम अब इस ड्रॉइंग के अनुसार से देखेंगे फ्रेंड कि आपतित किरण आती है और दर्पण से टकराकर पुनः दूसरी दिशा में लौटती है, जिसे हम परावर्तित किरण बोलते हैं। तो देखिएगा फ्रेंड, आपतित किरण और परावर्तित किरण में एक कोण बनता है ना फ्रेंड? देखिए एक कोण बन रहा है, यानी कि आपतित किरण परावर्तित किरण के बीच में जो एक कोण बनता है फ्रेंड, इस कोण को अभिलंब जब आंतरिक से आता है तो आंतरिक से आने के बाद इसे दर्पण से टकराता है, तो दर्पण से टकरा कर जब पुनः आंतरिक में लौटता है तो ये क्या करता है ना कि यहाँ पे दो कोण को आपस में बराबर बराबर बांट देता है। कौन कौन कोण फ्रेंड? तो कोण आई और कोण आर, हम इसी को बोलते हैं कोण आपतन कोण बराबर कोण परावर्तन। यानी कि फ्रेंड, हमको इन दोनों कोणों को कैसे बराबर में बांटा गया तो समझ में आ गया होगा आपको, यानी कि इस दोनों कोणों को बराबर में बांटने का काम कौन करता है फ्रेंड? तो अभिलंब, है ना फ्रेंड? तो ये आपको समझ में टॉपिक आ गया होगा पहला। अब हम दूसरा टॉपिक के बारे में बात करेंगे फ्रेंड। देखिए दूसरा टॉपिक क्या कह रहा है, दूसरा टॉपिक बोल रहा है फ्रेंड कि आपतित किरण कौमा परावर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों एक ही बिंदु पर स्थित होते हैं। तो देखिए फ्रेंड, आपतित किरण यानी कि ये जो किरण है हमारा, कौन सा किरण है फ्रेंड? आपतित किरण आती है कहाँ पर? टकराती है दर्पण पर, दर्पण के बिंदु ओ पर टकराती है और टकराने के बाद किरण दूसरे दिशा में रिटर्न चल जाती है। तो दूसरे दिशा में जाती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं फ्रेंड? परावर्तित किरण। तो ध्यान से देखिएगा, आपतित किरण यहाँ पे आती है, यहाँ से टकरा के परावर्तित किरण इधर चल जाती है, फिर फ्रेंड आंतरिक से अभिलंब आता है तो बिंदु ओ पर ही टकराता है। एक मतलब फ्रेंड ध्यान से देखिएगा, आपतित किरण परावर्तित किरण अभिलंब तीनों कहाँ स्थित है फ्रेंड? आपतन बिंदु पर।
यानी कि ओ पर स्थित है। तो यही हम बोल रहे हैं फ्रेंड कि आपतित किरण कोमा परावर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों एक ही बिंदु पर स्थित है। तो उस बिंदु के क्या नाम है फ्रेंड? तो आपतन बिंदु। तो देखिए फ्रेंड, ये आपका प्रकाश के परावर्तन का नियम जो था फ्रेंड स्पष्ट हो गया। मैं आशा करता हूँ कि आपको इस प्रकाश का परावर्तन के नियम पूरी तरह से समझ में आ गया होगा। तो फ्रेंड, अगर आपको कहीं भी इसमें प्रॉब्लम होगा तो आप कमेंट में लिखिएगा फ्रेंड, हम इस चीज़ को सुधारने की पूरी कोशिश करेंगे। तो चलिए फ्रेंड, आप इसे स्क्रीनशॉट कर लीजिए ताकि आपको नोट्स करने में आसान होगा। चलिए फ्रेंड, अब बात करते हैं हम प्रतिबिंब के बारे में। क्या जी के बारे में फ्रेंड? प्रतिबिंब के बारे में। तो देखिए फ्रेंड, प्रतिबिंब आखिर होता क्या है? प्रतिबिंब मतलब फ्रेंड किसी भी वस्तु की छाया, परछाई, फोटो, कॉपी, इस तरह का फ्रेंड उस चीज़ों को हम लोग बोलते हैं प्रतिबिंब। जैसा कि आप देखिए, मेरे पीछे एक परछाई बन रहा है जो मेरा वो प्रतिबिंब है। क्या है फ्रेंड? मेरे जो पीछे छाया बन रहा है वो क्या है मेरा फ्रेंड? प्रतिबिंब है। जैसे कि फ्रेंड देखिए, इस वस्तु को हम बोलते हैं फ्रेंड साइंस की भाषा में बीम। क्या बोलते हैं फ्रेंड साइंस की भाषा में? बीम। तो देखिए तो फ्रेंड, इस बीम का पीछे परछाई है। क्या है फ्रेंड? इस बीम का यानी कि इस वस्तु के पीछे जो परछाई बन रहा है उसको बोलते हैं फ्रेंड हम लोग प्रतिबिंब। क्या बोलते हैं फ्रेंड? प्रतिबिंब। प्रतिबिंब को मतलब समझ में आ गया होगा फ्रेंड कि किसी भी वस्तु को छाया, परछाई, फोटो यानी किस तरह का कॉपी को हम लोग क्या बोलते हैं फ्रेंड? प्रतिबिंब बोलते हैं। तो आइए फ्रेंड इसकी परिभाषा को जानें। देखिए परिभाषा क्या लिखा हुआ फ्रेंड, किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब वहां बनता है जिस बिंदु पर कम से कम दो परावर्तित किरणें प्रतिच्छेदित होती है या प्रतीत होती है। क्या बोला फ्रेंड? कम से कम दो परावर्तित किरणें के बात कर रहा है फ्रेंड। कम से कम दो परावर्तित किरणें, याद रखिएगा फ्रेंड, परावर्तित किरणें, अपवर्तित किरण की बात नहीं कर रहा फ्रेंड। किसके बारे में बात कर रहा है? परावर्तित किरणें, यानी कि दो परावर्तित किरणें प्रतिच्छेद होती है या प्रतीत होती है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं फ्रेंड? प्रतिबिंब। तो आपको तो समझ में आ गया होगा फ्रेंड कि प्रतिबिंब क्या है। किसी भी वस्तु की छाया, परछाई, फोटो, इस सबको हम क्या बोलते हैं फ्रेंड? प्रतिबिंब बोलते हैं। तो चलिए इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए।